कौन कहता है कि मोता ही तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फट्टों में बेवजह फंस जाऊंगा। आई एम अ पिंडी बॉय, हम इशारे नहीं तोड़ते, नाका देख कर कभी गाड़ी नहीं मोड़ते, शादियों पे हम वाई फाई नहीं खोलते, और ये सोशल मीडिया वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हम पे जुल्म किया जा रहा है, नाकों पे हमें तंग किया जा रहा है, बाइकों को हमारी बंद किया जा रहा है, और एक नंबर से मुझे तंग किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का ये वीडियो एक ऐप के ऊपर है, एक सोशल ऐप है जो जिसके ज़रिए हम लोग अपनी चीज़ें फरोख्त करते हैं, सेल करते हैं, ख़रीदते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब कुछ करते हैं। इस ऐप के ऊपर इसका नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारी कंट्रीज़ को पता होगा, OLX इसको बोलते हैं, OLX सब पे थे। तो इस ऐप के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस लोगों ने अपना ईमान भी बेचना शुरू कर दिया है, अपनी जो उनकी इज्जत होती है उसको भी सेल करना शुरू कर दिया है चंद पैसों की खातिर। तो इस चीज़ पे मैं वीडियो पे इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को जो होगा इस वीडियो से उनको ये आइडिया हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कैसे मतलब इस चीज़ को हम सेव कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे एक अच्छे लोग हैं जो एक ट्रस्ट के ऊपर अपना पैसे भेज देते हैं, ट्रस्ट के ऊपर अपना सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद उनके साथ क्या होता है धोखा। उससे पहले मैं छोटा सा वीडियो चलाऊंगा, तो ये आप देख लें, फिर मैं इस पे बात करता हूँ। मेरे भाई कोई नहीं, इशू नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ठीक है। मुझे आप पे यकीन है भाई जान, चोर बंदे का भी पता चल जाता है और ठीक का भी पता चल जाता है, ठीक है ना। और बाकी भाई जान आप अपना एड्रेस सेंड कर दो, मेरी मोबी कैश लिमिट तो पूरी है, खैर उस पे मैंने रात को एक बंदे से पैसे मंगवाए हैं S9 Plus के, तो इजी पैसा अकाउंट में डालने ना, इजी पैसा भी अपनी पूरी है, तो इजी पैसा खैर मैं आपको फिर भी सेंड कर दूंगा, तो इजी पैसा अकाउंट नंबर में सेंड कर दे, तुम उसमें डाल दें और अपनी डिटेल सेंड कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर तक जाके करवा देता हूँ। बस भाई इस नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, इसमें डलवा दें और मुझे अपनी मुकम्मल डिटेल सेंड कर दें, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एड्रेस मुझे मिल चुका है, बस पेमेंट करवा के मुझे बता दो, मैं नमाज पढ़ के इंशाल्लाह आपको जाके करवा दूंगा, ठीक है। TCS करवाऊँ, डाइवो कार को कोरियर क्या सिस्टम करवाने ये बता दे भाई जान, आपसे पूछेंगे किस नाम से, बस आप उसे बता देना परवीन बीबी नाम से, ठीक है ना जी। मैं चेक करके आपको बताता हूँ जी। मेरे भाई ऑडियो आपने सुन लिया है कि कितनी मीठी आवाज़ में, कितने प्यार भरे लफ्ज़ों से इस बंदे ने ये बोला कि मतलब जो दो नंबर करेगा, जो इस तरह करेगा तो उसका अंजाम भी देखना पड़ता है। अभी इसकी मैं एक तस्वीर भी साथ ऐड करता हूँ। इसी बंदे ने अपना मोबाइल सेल करने के लिए ऐड लगाया था, तो जिसके बाद उसने बोला कि मतलब आधी पेमेंट आपको भेजनी पड़ेगी, तो फिर मैं ट्रस्ट, फिर उसके बाद या मेरा जो कज़न है उसने इसको बोला कि ठीक है मैं आपको आधी तो नहीं दे सकता, लेकिन करते करते उसने कहा कि मैं ठीक है 5,000 पे सेंड करता हूँ, 5 से 3 पे बात आ गई, उसने कहा मैं 3,000 सेंड करता हूँ। तो इसने अपना पूरा एड्रेस दिया कि इससे मतलब ट्रस्ट के ऊपर उसे पैसे सेंड कर दिए। अब उस बंदे ने जैसे ही उसके पास पैसे पहुँचे उसने खुद को उसको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। अपनी तस्वीर जो उसने सेंड की, ये मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, फाके तस्वीर होगी, तस्वीर ये असली नहीं होगी। अगर जो जहर है, जो बंदा दो नंबर ये कर रहा है, तो कभी भी असली तस्वीर भी नहीं देगा। तो बेसिकली अब ये नंबर और ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिसकी ये तस्वीर है उस तक मेरा वीडियो जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी वीडियो की तस्वीर के साथ क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ये नंबर आप याद जहन में रखें, जितने भी पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होना चाहिए ये नंबर, और नसरीन बीबी के नाम से ये इसका जायज़ अकाउंट बनाए या जो भी अकाउंट बनाए। तो अगर आपको कोई भी बंदा, कोई भी जितने भी लोग हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे दो नंबरें कैसे होती है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। और अगर तो आपको फिर भी ट्रस्ट करने की आदत है, तो जो तस्वीरें, जो मोबाइल के ऐप्स वगैरह उन्होंने लगाए होते हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो उसके बाद आप मेहरबानी करके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या उसकी अगेन नई तस्वीरें मंगवा के उसी मोबाइल की वो ज़रूर देखा करें। जिसके पास अगर चीज़ अवेलेबल होगी तो वो उसकी नई तस्वीरें ज़रूर आपको सेंड करेगा, तो फिर इस चीज़ पे थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ वो गूगल पे उसने अपना OLX पे चढ़ाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दो नंबर ही होगा। तो बस ये है कि मेरा इतना सी वीडियो है पाकिस्तान के लिए और OLX के लिए, OLX से जितने भी लोगों का नुकसान हुआ, जितने लोगों के साथ दो नंबरी हुई, उन सबको पता होना चाहिए
अब जो होने वाले हैं जो इस शिकार इस चीज का, उनको इस चीज से थोड़ा सा परहेज हो जाएगा। बस अभी के लिए मैं वीडियो बंद करता हूँ। मेरे सारे भाइयों को सारी बहनों को दिल से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।